बिल्कुल बड़ा लगाओ। तो यहाँ पे ये ऐसे खाना खाना ही से बैठ के। एवरीवन गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो फ्रेंड, आज का मौसम देख रहे हो आप, आज का मौसम हो रहा है बहुत ज़्यादा ख़राब और बारिश का मौसम है, फुल ऑन बारिश का मौसम है। अब आजकल ना मतलब यही प्रॉब्लम होगी, जैसे शादियों वाले सीज़न आते ना तो अपने आप से इंद्रदेव जी बरस जाते हैं, और इतने दिन से ना बारिश आ नहीं रही थी, लेकिन आज कल है शादी, काफ़ी जगह में शादी है, हमारे रिश्तेदारी के यहाँ भी है, मेरे जेठानी के भाई की भी शादी है, आज उनकी हल्दी है, और मौसम देख रहे हो आप कितना ख़तरनाक हो रहा है। मतलब सच में यार आजकल पता नहीं चलता मौसम का ना, मतलब ये बोलना बेकार है कि अभी सर्दियों में बारिश नहीं आएगी या गर्मियों में बारिश नहीं आएगी, मतलब कुछ पता नहीं चलता है कि क्या है। नाश्ता वाश्ता हो गया है हमारा ना, सब कुछ निपट चुका है, और मैं काम वाम करके आज कपड़े नहीं धोए मैंने ना, आज कपड़े वगैरह धोए नहीं, तो बस मैं यहाँ पर आई थी थोड़ी देर व्लॉग का क्या है कि शुरुआत करने के लिए, तो यहाँ पे आई थी, तो मैंने कहा आज बच्चों की है छुट्टी, सॉरी राशि का तो एग्ज़ाम है, लेकिन आनु बाबू को एग्ज़ाम के लिए आज छुट्टी दी है, बच्चों ने कर लिया है नाश्ता वाश्ता, और मैंने इसलिए नहीं किया है कि मेरे हस्बैंड की थी कल नाइट शिफ्ट, और वो नाइट शिफ्ट से आगे ना मैक्सिमम क्या होता है कि अगर वो लेट आते हैं ना तो फिर खाना खाते हैं, तो फिर इसलिए मैं सोच रही हूँ कि पहले खाना बना दूँ फिर आराम से नाश्ता करूँगी। तो गाइज़ आज का क्लाइमेट देखो वैसे कितना अच्छा लग रहा है ना, चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी, मतलब मुझे बहुत पसंद आता है, चाहे आप लोग को कैसा भी लगे, जैसे अब लोगों को शहरों में रहने की आदत होती है ना, बट मुझे ना मतलब ये वाला एरिया ना पीसफुल वाला एरिया, चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी, ये एरिया मतलब ऐसा वाला टाइप का मुझे ज़्यादा पसंद है, मुझे ज़्यादा वो ट्रैफिक भीड़ उड़ाकर वो सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती, और मुझे जहाँ पर मेरा घर है ना यहाँ पर मुझे फ्रंट से ज़्यादा ना मुझे बैक वाला ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देखिए वहाँ पर कैसा हो रहा है, पूरा धुंध धुंध जैसा हो रहा है वहाँ पर, और वहाँ नीचे नदी है, वहाँ पे ना नीचे नदी है, तो वहाँ देखिए वहाँ पे धुंध धुंध जैसा हो रहा है, फॉग टाइप का हो रहा है, यहाँ पर है पूरा खेत लोगों के, हमारे पड़ोसियों के, हमारा कोई खेत नहीं है, हमारा तो जितना घर बना है उतना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है, बाकी वो देख सकते हो आप वहाँ का एरिया, वहाँ पे पहाड़ है चारों तरफ, तो वो कितना सुंदर लग रहा है। तो चलिए फ्रेंड खाना बनाते हैं, लेट हो जाएगा, और आज के ब्लॉग में जो भी होगा आप लोग के साथ शेयर करेंगे, तो ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। हाय, सो गाइज आज ये जा रहे हैं तैयार व्यार होके अपनी भाभी के भाई के कॉकटेल पार्टी में। सो हाउ डू यू फील, हैं? सो सो कॉकटेल के नाम से कैसा लग रहा? ना 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 कॉकटेल के नाम से, ओह कॉकटेल में नॉट इंटरेस्टेड विदाउट फैमिली, नहीं नहीं कॉकटेल के नाम से तो मजा आ रहा होगा, कॉकटेल तो यार घर में भी बहुत पड़ी है। ना ना फिर भी पार्टी वार्टी, ओके ओके आप तैयार हुई। तो एक्चुअली मेरे ना आज जिठानी की भाई की कॉकटेल पार्टी है, जैसे कि मैंने मॉर्निंग में बताया था आपको कि शादी है उसकी, तो आज कॉकटेल पार्टी है, तो मैं तो नहीं जा रही हूँ, लेकिन क्योंकि देहरादून है काफ़ी दूर है, बच्चों का एग्ज़ाम है कल, तो फिर मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं जा रही हूँ, मम्मी भी है घर पर, तो फिर ये जा रहे हैं, और मैं इनको छेड़ रही थी कि आज कॉकटेल पार्टी है आपके मज़े हो जाने आज तो पैग मारने में इन्जॉय करने में, तो बोलते नहीं 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 मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, बट एक्चुअली मेरे को पता है इंटरेस्ट है, तो चलिए पहले इनको भेज देते हैं, सी ऑफ कर देते हैं, नहीं तो लेट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स मेरे हस्बैंड ने ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ऑनलाइन मंगाई है, वैसे तो उन्होंने वो मंगाया था फेसबुक ऐप से, तो अगर आप चाहो तो मीशो से या अमेजोन से मंगा सकते हो, तो वो है स्टेयरिंग व्हील डेस्क। तो जब भी आप लोगों ने देखा होगा कि जेंट्स लोग या हम लोग वुमेन जो भी कार चलाते हैं उनको कहीं जाना पड़ गया और अचानक कुछ खाना पड़ गया तो बड़ी दिक्कत आती है, फिर कहाँ रखे क्योंकि गाड़ी में भी रख नहीं सकते, तो वहाँ पे एक ट्रे होना बहुत ज़रूरी है कि कंफर्टेबल भी होता है, आराम से रहता है कि अपना, और वो इतना आसान होता है उसको आसान से लगा भी लो और निकाल भी लो, तो वो मेरे हस्बैंड ने मंगाया है क्योंकि अभी वो कहीं गए थे तो उनको बड़ी दिक्कत आई थी कुछ खाने के लिए ना, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि वो कैसा है। फ्रेंड्स ये है वो डेस्क जो इन्होंने मंगाया था ऑनलाइन, ये है देखिए स्टेयरिंग व्हील डेस्क, तो ये देखिए फ्रेंड्स ये कुछ इस तरह का है, तो यहाँ पे आप कुछ रख सकते हो और वहाँ पे आप ग्लास बॉटल जो भी चाहो वो रख सकते हो, तो अभी निकाले इसको गाड़ी में लगा के दिखाएंगे हम लोग कि आपको कैसा लगता है ये, और अगर आप चाहो तो फिर इसको यूज़ कर सकते हो। वैसे क्या क्या बेनिफिट हैं इसके, खाने के तो अपने आगे आप रख के इसमें प्लेट में आप से कर सकते हो, और लैपटॉप, लैपटॉप के लिए कैसा है, कहाँ पे है लैपटॉप का, बैक साइड में भी, हाँ ये हाँ भी, ये है ना ये लैपटॉप के लिए, लैपटॉप के लिए बस, हाँ ये लैपटॉप केबल है, तो अभी हम इसको आपको कार में लगा के दिखाएंगे स्टीयरिंग में, तो चलिए चलते हैं। हाँ ले लिया मैंने, तो ये देखिए बीवी के बिना ऐसा होता है, पर्स भी याद नहीं रहता, पर्स देना पड़ता है सर जी को, और ये इनके कपड़े नाइट में पहनने के लिए क्योंकि नाइट में वहीं पर रहेंगे, मैंने इनको मना कर दिया, मैंने कहा नाइट को बताना आप, आ रहे आ नहीं रहे आपको फोन नहीं किया था अभी, पर आज ना मौसम बेशक इतना ठंडा है लेकिन एक्चुअली इतनी ठंड हो नहीं रही है, मतलब अंदर रूम में तो काफ़ी ज़्यादा ठंड है लेकिन बाहर नहीं हो रही है, तो दिखाते हैं अब कैसे कैसे,
लगाते हैं अपनी कार में। तुमको भी देखना है, हैं? देखो यहाँ पर, हटो ऐसे हटो, पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे पीछे जाके देखो, तुम लोग जाओ पीछे जाओ वहां से देखो। सो गाइज, इस तरह से स्टेयरिंग में लगाना है इसको। इसको लगाना बहुत ही आसान होता है, देखो एक सेकंड में लग गया ये, इसको लगाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, एक सेकंड में लग गया बिल्कुल। तो यहाँ पे ये ऐसे खाना खाना इसे बैठ के, इसको ऐसे निकालना है और इसको ऐसे निकालना है। अब थोड़ा धीरे सिखाओ ना, तब तो पता चलेगा कैसे लगाना। ऐसे स्टेयरिंग में ऐसे घुमाना है इसको, और स्टेयरिंग थोड़ा डाउन होना चाहिए इसके लिए ना, सीट पीछे करके स्टेयरिंग थोड़ा डाउन करना पड़ता है इसको। ऐसे भी लगा सकते हो आप, यहाँ और बढ़िया है। अगर अगर आपको हाई पसंद है तो आप इस तरह से भी लगा सकते हो, बट ऐसे इतना कंफर्टेबल नहीं लगता, कंफर्टेबल नीचे ही लगेगा। तो यहाँ पर ही इसको कंफर्टेबल लगेगा, इस तरह से आप लगा सकते हो। और इसका जो बैक साइड है, बैक साइड से दिखाओ तो, ये है गाइस लैपटॉप के लिए। तो अगर आपको लैपटॉप यूज करना है ना, तो इस तरह से आप कर सकते हो इसमें आराम से। तो आप इसको किसी भी ऐप से बाय कर सकते हो, अमेज़न, मीशो या फिर किसी और से भी। ढोल भी बजाना है। फ्रेंड्स, इनको भेजते हैं कॉकटेल पार्टी में एंजॉय करने के लिए, विदाउट फैमिली विदाउट फैमिली एंजॉय करने के लिए भेजते हैं। और हम लोग जाते हैं घर में, और बच्चों की एग्जाम है तो इनको पढ़ाती हूँ मैं। चलो बाय ना, बाय लो लो। किसको मिल रहे पैसे? 10 रुपीज। चलो बाय। ये है हमारा कियो, क्या हुआ? बदतमीज कियो ने इतना परेशान कर रखा ना कियो ने, कि इसको डेल डेली पट्टी कर देता है, डेल डेली पट्टी कर देता है, इतना परेशान करके रखा है इसने, है ना, है ना। और गाइस, कियो की आंख में ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है, दिखा कियो अपनी आईज को, कियो की आंख में ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो अभी हमको सोच रहे हैं कि इसको लेके जाएंगे, फिर इसको दिखाएंगे। अभी मम्मी से ही फ्री नहीं हो रहे हम लोग, मम्मी से फ्री होंगे तब जाएंगे। और देखो इसकी आंख ना बिल्कुल ऐसी हो रही आंख ना, मतलब कलर दिखा आँख का, बिल्कुल ब्लू ब्लू सा कलर हो रहा है इसका ना, पता नहीं क्या हो रहा, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा। और इतना बदतमीज हो रखा ना आजकल, पॉटी करने वाला, पॉटी करने वाला, बस जहाँ देखो वहीं पॉटी कर देता है, इतना बड़ा हो के, है ना, इतना बड़ा होकर तमीज़ तो है नहीं तुझे, बिल्कुल भी नहीं है तुझे तमीज़ है। और इसको अगर डराओ ना तो ऐसे डरता है ना ये, पिट्टी करो तेरी, ड्रामेबाज ड्रामेबाज ड्रामेबाज। अब ये सो गया, देखना सेकंड में सो गया ये, सेकंड में बिल्कुल आंखें इसकी बंद है। गाइस, ये मेरे हस्बैंड लेके आए थे सब्जी आज ना, तो वो तो फिलहाल पालक है, और ये है सिंगरे की सब्जी। तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग को किस किस को पता है कि सिंगरे की सब्जी के बारे में ना। तो ये मार्केट से लिया है हमने ना, लेकिन पहले ना मेरे मायके में ना बहुत लगती थी ये, बहुत ज़्यादा, तो इसलिए ये लेके आए हैं। मुझे काफ़ी पसंद भी है ये सब्जी ना, पर देखो मतलब वक्त वक्त की बात है फ्रेंड्स, कि अब ये खरीद के लेके आए हैं, और पहले मेरे मायके में था ये, इस बार नहीं लगाए मेरे मायके में ना, क्योंकि ये ना मूली में लगता है, जैसे मूली लगाते हैं हम लोग तो उसके ऊपर लगता है बाद में ये ना, प्रोसेस तो मतलब मुझे पूरा पता नहीं, पर मुझे इतना पता है कि पापा लगाते थे ना खेत में, तो फिर वहाँ से पापा फिर तोड़ के लाते थे, तो फिर पापा बनाते थे, तो बहुत टेस्टी होता है ये ना। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ टेस्ट में अच्छा है ये ना, मतलब बहुत अच्छा रहता है, हेल्दी भी रहता है बहुत ज़्यादा। तो इससे एक तो जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो भी कंट्रोल में रहता है, उसके बाद क्या होता है इससे ना इम्यूनिंग सिस्टम भी काफ़ी अच्छी होती है। तो ये अगर आप खाते हो तो इससे जो विटामिन सी होता है इसमें, तो जो स्किन के लिए काफ़ी अच्छी रहती है। तो फिलहाल हम ये बनाने वाले हैं आज, तो इसके सब्जी मैं शाम को बनाऊंगी। और इसको ना बनाना बिल्कुल आसान है, मतलब इसको जो इसकी फलियां है ना उसको बस ऐसे करके तोड़ो, इसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती ना, बस ऐसे इसको तोड़ो काटो, और उसके बाद इसको सिर्फ मतलब नॉर्मली इसको जो होता है प्याज व्याज डाल के इसको छोंक दो, इसमें कोई इतना तामझाम भी नहीं करना पड़ता। फिलहाल फ्रेंड्स, टाइम हो रहा है शाम का, और वैसे अभी बच्चों को पढ़ाती हूँ, ये लोगों से पढ़ते तो है नहीं, जितना मर्जी इनको बोल दो, इनके साथ ना लगो तब तक ये पढ़ेंगी नहीं, तो इसलिए इनके हाथ बैठती हूँ। कल है इन लोगों का MS का पेपर, और बस बस सब एक दो ही रह गए, बाकी टेंशन नहीं रही, नहीं, दो चार दिन की बंद का रह रहे हैं, एक कल है और एक मंडे में बस, तो वो नहीं बच रहा। हाँ, तो अभी तो कल का भी तो होगा ना, तो क्या हुआ? हाँ, वो नहीं तो बचेगा। अरे झाड़ू देखो क्या काम कर रही है, क्या किया तूने? दिमाग देखो, दिमाग क्या फंसाया यहाँ पे, देखो ये दिखा दिमाग, देखो जरा इनका ना ऐसा है। हाँ, हाइट पहुंचती, करो करो हाइट पहुंचती है बहुत।
करो करो ये, मतलब ये देखो फ्रेंड्स, ये है इनका दिमाग ना, मतलब खाते खाते ना इन्होंने वहां पर वो नींबू भुजिया जो नमकीन का पैकेट है वहां फेंका ऊपर, और ये देखो माइंड, जरा ये बच्चों का माइंड देखो, वाह वाह वाह, यहाँ पे मैं निकालती हूँ, अब गिरेगी यहाँ से फ्रेंड्स, सच में इतने उल्टे उल्टे काम है ना, ये इनके काम है उल्टे उल्टे, चलो लो नहीं झाड़ रुक, क्या जहाँ पे था वहीं पे रखना, हर कहीं नहीं फेंकना, तो चलो स्टडी करो। मम्मी साल की रहे कोई देखो, इन्होंने ये नींबू भुजिया निकाला जो ऊपर नमकीन से ना उसका, ये देखो ये ड्रामा ये सब कर रहे, टाइम वेस्ट करने के लिए ना, है ना, पढ़ाई पढ़ाई वेस्ट करने के लिए, बीच वाला, हाँ बीच वाला, बीच वाला भी और साइड वाला भी, ठीक है अब पूरा लो पूरा पढ़ना, कितने रुपए का, 5 रुपए का है, 5 रुपए का, 5 रुपए की नमकीन है पर इतनी टेस्टी है ना, इकट्ठी खट्टी से नमकीन और मीठी भी साथ में, तो आज के व्लॉग में एक छोटा सा व्लॉग मैंने आप लोग के साथ शेयर किया, क्योंकि मुझे ना आप लोग के साथ वो शेयर करना था, जो भी वो प्रोडक्ट था, स्टीयरिंग व्हील डेस्क जो भी था वो आप लोग के साथ शेयर करना था, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग ना मतलब वो काफी इंपॉर्टेंट चीज है वो, और कहीं जाते हैं तो बड़ी दिक्कत आ जाती है सच में, मतलब हम लोग कहीं जाते हैं ना तो ये इन्होंने कुछ खाना होता है, क्योंकि कोई ना कोई बाहर निकलते रहता है कुछ खाना, तो बड़ी दिक्कत आती है कि कहाँ पे रखें कहाँ पे रखें, अब ये कि आराम से ट्रे पे रखो, इजीली खा लो, उसके बाद लैपटॉप में अगर काम करना हो तो फिर लैपटॉप में काम भी कर लो, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर एंड बाय 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 बाय।